अस्सलाम वालेकुम, रंगजेब अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जंगली पुलाव बनाएंगे। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। पहले हम कटिंग कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल देना है। थोड़ा सा गर्म होने के बाद ऑयल को अंडे शामिल कर देने हैं। अंडे फ्राई होने के बाद इसमें ये उबला हुआ चिकन है, ये शामिल कर लेना है। चिकन पहले ही उबला हुआ है, थोड़ा हल्का सा फ्राई करना है बस इसको। और इसमें ये जो कटिंग की है, प्याज, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये इसमें शामिल कर देंगे। इन सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये सोया सॉस है थोड़ी सी, 1 राइस स्पून इसमें डाल लेनी है। काजू और बादाम है। अब इसमें ये राइस उबले हुए मैंने लिए हैं, उबाल के पहले रखे हुए हैं। नमक 1/4 राइस स्पून, चाइना नमक 1 चम्मच, ये 1 प्लेट की रेसिपी है, और 1/4 हिस्सा काली मिर्च। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर देना है, 3 से 4 मिनट पकाना है। और ये मिक्स फ्रूट है जो डब्बे वाला मिलता है, ये समझ ले इसमें जान है, ये इसकी मेन जो है आइटम है। हमारा जंगली पुलाव अब तैयार हो चुका है, सर्विंग के लिए करते हैं।